अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैच्योर माइंड्स। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली वर्ड्स होते हैं जिनको हम 9 किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और एक वर्ड एट अ टाइम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, यानी कि वो फिक्रे में किस तरह फंक्शन कर रहा है उस लिहाज से वो एट अ टाइम दो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक्ट कर सकता है। जो हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 टाइप्स में डिवाइड करते हैं वो ये है। पहला जो पार्ट है इसमें वो है नाउन्स। नाउन्स के बाद हमारे पास दूसरा जो लफज है वो है प्रोनाउन्स। प्रोनाउन्स के बाद जो हमारे पास टाइप आ जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो है वर्ब्स। वर्ब्स के बाद जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बाद जिस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं वो है जी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद जो हमारे पास लफज है जी हम डिस्कस करने के लिए वो है कंजक्शंस। कंजक्शंस के बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स के बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है इंटरजेक्शंस। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम पहला पार्ट ऑफ स्पीच है जो है नाउन्स। नाउन्स बेसिकली क्या होते हैं जी? नाउन्स पर्सन, प्लेस और आइडिया का नाम को हम कह लेते हैं जी। नाउन्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इसको हम कह लेते हैं नाउन्स। नाउन्स दे कैन बी फंक्शनिंग डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन देयर एक्शन और दे आर परफॉर्मिंग एन एक्शन और एक्शन इज बीइंग डन ऑन देम। तो जब हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होंगे तो उनका पहला लफ्ज़ हमेशा कैपिटलाइज लिखा जाएगा। एग्जांपल में हमारे पास पायरेट, कैरेबियन शिप, फ्रीडम, कैप्टन जैक स्पैरो सारे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन्स। प्रोनाउन्स बेसिकली नाम शो कर रहा है। प्रो मीन्स पहले, नाउन मीन नाउन के, तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन्स की जगह पे आते हैं और ये एक ब्रॉडर जेनेरिक टर्म है फॉर नाउन्स, यानी कि ये ज़्यादा तो वर्सटाइल तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन्स पे आएंगे। प्रोनाउन्स के बाद जो हमारे पास है जी वो है वर्ब्स। वर्ब्स बेसिकली एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि किसी चीज़ के एक्शन को या फिर किसी चीज़ की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो चीज़ कैसी है या थी उस चीज़ को भी प्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक्शन एंड स्टेट बोथ कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू वर्ब्स और वर्ब्स अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन विच दे आर यूज्ड। प्रेजेंट में कुछ और फॉर्म होगी, पास्ट में कुछ और फॉर्म होगी और इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल में भी इसी तरह है। जैसे गो फॉर प्लूरल एंड गोज फॉर सिंगुलर। सिंग, डांस, बिलीव्स, सीम, फिनिश, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं वर्ब्स की। वर्ब्स के बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स एंड प्रोनाउन्स को। ये स्पेसिफाई करते हैं विच वन इज़ द नाउन, हो मच इज़ द दैट नाउन, पर्टिकुलर नाउन, व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर नाउन एंड अदर क्वेश्चंस, ऑल दीज अदर क्वेश्चंस। ये बेसिकली रीडर्स को क्या करते हैं जी के मोर क्लियर इंफॉर्मेशन देते हैं एडजेक्टिव नाउन्स के बारे में। हॉट सन, लेजी बॉय, फनी गर्ल, ये सारे ही इसमें एडजेक्टिव्स आ जाएंगे। एडजेक्टिव्स के बाद जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स बेसिकली हम बचपन से सुना है जी कि ये वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वर्ब्स, एडजेक्टिव और इवन के अदर एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। ये स्पेसिफाई करते हैं व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपेंड एंड टू व्हाट एक्सटेंट थिंग्स हैपेंड। वेरी वेरी लेजी बॉय, इसमें लेजी एडजेक्टिव होगा और वेरी एडवर्ब होगा। एडवर्ब के बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस बेसिकली क्या करते हैं,
ये एक वर्ब, एक नाउन की पर्टिकुलर प्लेस को शो करते हैं, ये कहाँ पे यूज होना है, किस तरह यूज होना है, कब यूज होना है किसी नाउन ने, एंड ये एक नाउन का अदर नाउन्स के साथ रिलेशनशिप भी शो करते हैं, एंड ये नाउन और प्रोनाउन के लिए ये भी। और ये उसके बाद आप ओवर अगेंस्ट, ये तमाम इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बेसिकली क्या करती हैं, जॉइन द वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये फ्रेज को, वर्ड को या सेंटेंस को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनकी तीन किस्में हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। ये हम पढ़ेंगे जब हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे, तब हम इसको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे कवर करेंगे। एंड बट और सो येट विद, ये सारी कंजंक्शंस इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल्स एंड टर्मिनल्स, पहले तो ये है जी कि जो आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एडजेक्टिव्स की तरह के हैं, एक्ट एज एडजेक्टिव, लेकिन वो पर्टिकुलर सिंटेक्स उनका फिक्रे में होता है, सेंटेंस में होता है, वो पर्टिकुलर कंडीशन में आते हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट इन एवरी सेंटेंस। तो जो डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स हैं वो एन, ए, एन, दी, ये सारे आर्टिकल्स हैं, और डिटर्मिनर्स दीज, दैट, दोज, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। क्लासिकल ग्रामर में इनको अलग स्टेटस है, लेकिन मॉडर्न में इनको एडजेक्टिव के साथ ही इनको कर लिया गया, जम कर लिया गया। लास्ट में हमारे पास जो है इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शंस बेसिकली एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, और ये इंडिपेंडेंटली भी, हुर्रा, ये अब इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल हो सकता है इस तरह, लेकिन ये फिक्र में भी इस्तेमाल हो सकता है, हुर्रा वी वन। एंड ये इसके एग्जांपल्स हैं, आह, उफ्स, आउच, या बड़ा बड़ू, ये सारे इंटरजेक्शंस की एग्जांपल हैं। तो ये थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड दिस वीडियो इज़ फ्रॉम सम स्पेशल रिक्वेस्ट। तो ये चीज़ मैं 10 लेक्चर्स में जो कवर करूँगा, इनमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये वाला, इनको अगर मुकम्मल तौर पे इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पे पढ़ना हो तो ऑलमोस्ट 3 to 4 months डेली के सेशंस, यानी कि 180 डेज ऑलमोस्ट, सॉरी 90 डेज ऑलमोस्ट, इतने की ज़रूरत होती है। तो ये मैं ऑन एंड ऑफ करता रहूँगा इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की भी प्रैक्टिस, लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक लेवल पे के पढ़ेंगे 10 लेक्चर, उन 10 के बाद हम फिर मूव ऑन आगे करेंगे इंशाल्लाह। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।